आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप IRCTC ऐप से घर बैठे इमरजेंसी टिकट आप कंफर्म बुक कर सकते हैं, यानी कि तत्काल टिकट आप यहां पर जो है कंफर्म कैसे बुक कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, साथ में यहां पर सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे आप कंफर्म सीट यहां पर ले सकते हैं। टाइम वेस्ट आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं करूंगा और यहां पर देख सकते हो डायरेक्ट IRCTC ऐप पे आ चुका हूं और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना। कई लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार टिकट बुकिंग कर रहे हैं यानी फर्स्ट बार, तो आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर दोस्तों यहां पर IRCTC ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। जैसा कि यहां पर देख सकते हो IRCTC, जैसे आप सर्च करेंगे ऐप आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, देन आपको क्या करना है इसको लॉग इन कर लेना है। और यहां पर बहुत ही सिंपल, जिन लोगों का पास अकाउंट नहीं है IRCTC ऐप में, आप लोग यहां पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करके आप यहां पर न्यू अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ दोस्तों। और तत्काल टिकट बुकिंग करने से पहले दोस्तों, यानी कि इमरजेंसी टिकट बुकिंग करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों को आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लॉग इन होने का टाइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि IRCTC ऐप पर आपको लॉग इन होने का टाइम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप AC क्लास का अगर आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो 10 बजे से 1 मिनट पहले आपको लॉगिन होना है, यानी कि सुबह के 10 बजे से 1 मिनट पहले आप लॉगिन हो जाना। अगर आप स्लीपर क्लास का बुकिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है। 11 बजने में 1 मिनट बाकी रहे तो आप लोग कर सकते हैं, यानी कि 10:59 पर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने से पहले भी आपको 1 घंटे पहले एक काम कर लेना है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन कर चुका हूँ IRCTC के वेबसाइट पे। यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करना है। और सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ करना क्या है, अपना पैसेंजर डिटेल आपको ऐड कर लेना है। तत्काल टिकट के बुकिंग के टाइम में दोस्तों आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पैसेंजर डिटेल यहां पर ऐड कर सको। हो सकता है दोस्तों आप लोग एक साथ 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास मास्टर लिस्ट पहले से बना होना चाहिए, यानी कि पैसेंजर डिटेल पहले से ऐड होना चाहिए ताकि उस समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 1-1 सेकेंड बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊँगा कि कैसे टिकट बुकिंग करना है, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ पर आप बहुत ही ईजी तरीका से बना सकते हैं मास्टर लिस्ट। कैसे बनाना है उसका वीडियो का लिंक जस्ट नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, जाकर क्लिक करके देख लेना। इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो चल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पर टिकट बुकिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रेन वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, बुक टिकट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है फ्रॉम वाले सेक्शन पे आपको क्या क्लिक करना है, फ्रॉम में आप कहाँ से जाना है आपको। जैसे कि दोस्तों मैं भागलपुर में रह रहा हूँ तो मुझे भागलपुर से, यहाँ पर मैं BGP कोड डाल देता हूँ अपना रेलवे स्टेशन का, मुझे जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको कैलेंडर मिल जाएगा, यानी कि जिस भी डेट का आपको टिकट बुकिंग करना है। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है तत्काल टिकट 1 दिन पहले बुकिंग होता है, यानी कि इमरजेंसी टिकट जो है 1 दिन पहले बुकिंग होता है। अगर मुझे कल ट्रैवल करना है, 4 तारीख को ट्रैवल करना है, तो मुझे यहाँ पर 3 तारीख का जो टिकट है वो बुक करना है, सॉरी 3 को टिकट बुकिंग करना है 4 तारीख के लिए, तो यहाँ पर मुझे 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। और यहाँ साइड में आपको कोटा का ऑप्शन मिलेगा, कोटा वाले पे क्लिक करके यहाँ पर तत्काल सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और ये तत्काल सेलेक्ट कर लेना है। और ये सारी चीज़ें आप लोग को कर लेना है कब, 1 मिनट पहले, यानी कि 10 बजने से या 11 बजने से 1 मिनट पहले आपको सारी चीज़ करके सर्च ट्रेन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आपका टाइमिंग दोस्तों यहाँ पर 11 बज जाए या फिर 10 बज जाए, आप लोग अगर AC का बुकिंग कर रहे हैं तो 10 बजे स्लीपर के लिए 11 बजे आप लोग ध्यान रखना। जैसे आपका 11 बज जाए, सिंपल आपको यहाँ पर जो रिफ्रेश वाले सेक्शन है, रिफ्रेश वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप रिफ्रेश वाले में क्लिक करेंगे, आपका जो सीट है वो अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा, वेटिंग लिस्ट में मिलेगा, क्योंकि अभी जो तत्काल का जो टाइमिंग है वो नहीं है, अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है उस टाइम फास्ट में। टाइम वेस्ट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान देना, जैसे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, अगर आप मास्टर लिस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको करना क्या होगा, एड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर पैसेंजर का नाम, एज, मेल फीमेल, बर्थ परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही पैसेंजर का डिटेल ऐड है तो सिंपल यहाँ पर एक
ऐड एग्जिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, पैसेंजर डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे आप पैसेंजर डिटेल ऐड करेंगे, बहुत ही फास्ट और आप इजी में कर सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा और आप टिकट भी फास्ट में कंफर्म सीट यहाँ पर बुक कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। नीचे यहाँ पर आते हैं दोस्तों, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर आपको वैसे के वैसे रहने देना है। नीचे यहाँ पर दोस्तों कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर पे थ्रू भीम UPI पे क्लिक करना है। हमेशा ध्यान रखना तत्काल टिकट बुकिंग करने टाइम कि आपको पेमेंट जो करना है, पैसे जो पेमेंट करना है, UPI के थ्रू करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। रिव्यू करने डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों फटाफट आपको क्या करना है, अपना जो कैप्चा है वो आपको फिल कर लेना है। टाइम वेस्ट आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रोसेस टू पे वाले पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन काफ़ी सारे पेमेंट करने के लिए मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे है या फिर गूगल पे है, पेटीएम है, तो आप यहाँ पर पेटीएम देख के भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ फ़ोन पे है तो फ़ोन पे जैसे क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर फ़ोन पे देखने को मिलेगा। फ़ोन पे में क्लिक करेंगे, पे वाले पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट दोस्तों आप अपने फ़ोन पे में यहाँ पर चले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर पेमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली और फास्ट में आप कर सकते हैं। फिलहाल आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ़ोन पे आप सभी को पता है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लैक स्क्रीन हो जाता है रिकॉर्डिंग में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो ये चीज़ आप लोगों को पता है। यहाँ पर फिलहाल मैं इस पेमेंट को डिक्लाइन कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर टिकट जो है वो बुकिंग नहीं करना है। बस आपको प्रोसेस बताना था कि कैसे आपको टिकट बुकिंग करना होता है। बाकी दोस्तों आपका टिकट जो है वो कंफर्म बुकिंग होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको सीट नंबर, बोगी नंबर सब आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही करके आपको टिकट बुकिंग करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।